तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक मोटर है, उसमें पंखा लगा हुआ है, ये घूम रहा है और मस्त हवा दे रहा है। हाँ, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है। देखिए, एक बैटरी लगा हुआ है, देख सकते हैं, एक SW का बैटरी है। अरे बच्चों, देखिए रुक गया, मैं इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ सीधा हो जाए और हमारा ये चल पड़े। थोड़ा यार हवा, हाँ ये देखो, ये SW का बैटरी है, तार में इसमें ये हो रहा है। SW बैटरी है और ये मोटर मेरे हाथ में, एक DC मोटर, वो मस्त हवा दे रहा है। हाँ, ठंडा में हवा ले रहा हूँ मैं, समझ रहे। हाँ, देव सर भी कुछ भी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब इस मोटर के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा फील आ गया होगा कि मोटर कैसे काम करता है। और आप इसको डेली देखते हैं अपने ज़िंदगी में, क्योंकि मोटर आप बहुत बार देख चुके हैं, क्योंकि आप पंखा देखे ही होंगे, प्लस आप अपना क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में देख सकते हैं मोटर लगा रहता है। और ऑलमोस्ट जहाँ भी कुछ आपको दिख रहा है घूमते हुए, तो वहाँ पे समझिए कुछ मोटर लगा ही होगा। तो अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं इसको रख देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक मोटर का डिफिनेशन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है। क्या इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है मेरा, मैं लिख देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम है कि मेरा जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और इलेक्ट्रिक एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरा क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होता है, एनर्जी एक्चुअली VIP होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये मेरा लगभग इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितना वोल्टेज है, करंट कितना और कितना टाइम जा रहा है उससे है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कोई भी चीज़, मैकेनिकल एनर्जी में दो कंपोनेंट आता है, ये आपको शायद मतलब ज़्यादा लोग बताते नहीं है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में दो चीज़ होता है। एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब कोई भी चीज़ मूव करता है, जब मूव होगा, जब उसमें कुछ वेलोसिटी रहता है, तो उसके कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो आता है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का, जैसे अर्थ से कोई चीज़ हाइट पे है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर केस में क्या, अभी कि मोटर तो आपका एक फिक्स हाइट पे ही है, तो हाइट तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ उस पंखे में स्पीड आ रहा था, जो मेरा ब्लेड घूम रहा है उस पंखे में सिर्फ क्या है, मोशन है, तो वहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरा क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। और मोस्ट केस में सिर्फ क्या हो रहा है, वो एक्चुअली जो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है मेरा, उसका डिफिनेशन आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है कि एक ऐसा डिवाइस जो मेरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये तो हो गया मेरा डिफिनेशन। अब हम लोग समझेंगे आखिर इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये ऑलरेडी हम लोग मतलब इससे पहले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे कि किसी भी अगर यदि एक करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, आपने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर, जब से कोई करंट कैरिंग वायर है तो, और वह यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। यानी तो मैं एक और एक्स्ट्रा रूल बताया था कि राइट हैंड थप्पड़ रूल, राइट हैंड थप्पड़ रूल से भी हम लोग निकाले थे। तो एक करंट कैरिंग वायर पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मतलब जो इसको डिजाइन करता है इलेक्ट्रिक मोटर को, क्या कर रहा है कि उसी जो जो फोर्स लग रहा है, तो उसी फोर्स को हम लोग एक यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे डिजाइन करके, मतलब एक समझो कि एक इंजीनियरिंग किया गया उस टाइप का, कि हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में उसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, उसी प्रिंसिपल पे, कि उस पर एक फोर्स लगेगा, लेकिन हम लोग अब ऐसा डिजाइन करेंगे कि उस फोर्स को हम लोग एक रोटेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कोई चीज़ काइनेटिक एनर्जी में, वो रोटेट करेगा, उसके कारण एक यूजफुल एनर्जी, उससे हम लोग कुछ वर्क निकाल सकते हैं।
तो मतलब उसी का कंसेप्ट है और उसी का एप्लीकेशन है कि एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है, तो उसी का हम लोग देखने वाले कि आखिर एक मतलब इलेक्ट्रिक मोटर में कैसा वर्क करता है। तो आइए मैं अभी डायग्राम बना देता हूँ और फिर यहाँ पे हम लोग अभी उसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और ये डायग्राम बनाने काफ़ी मेहनत लगा, मतलब 15 मिनट लग गया मुझे इसे बनाने में, फिर भी ये उतना शायद अच्छा नहीं बना होगा। तो मतलब अच्छा बना लेता मैं तो फिर बायो ही ले लेता, बट देव सर तो फिजिक्स पढ़ाते। चलो तो यहाँ पे देखो, मैं इधर इस साइड में यहाँ पे मैं एक डायग्राम, अभी यहाँ पे डायग्राम एक आ जाएगा जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मतलब वैसा ही डायग्राम जो इधर दिख रहा है, तो इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या। देखिए यहाँ दो एक्सटर्नल हमने क्या लिया है, एक सिंपल वर्किंग मॉडल में दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा मतलब शायद ही ऐसा मतलब एक्चुअल में मोटर नहीं होता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो आपको पंखे या कॉमर्शियल यूज में होता है। ये बस आपको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए समझिए, एक वर्किंग मॉडल है, इसी का मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, बट ये मतलब आपको क्लैरिटी देगा कि कैसे होता है। तो एक ये क्या, एक सिंपल मोटर का ये डायग्राम है। हाँ, पर जो बड़ा मोटर है वो ऐसे ही काम करता है। तो आइए हम इसको समझते हैं आखिर इसमें डायग्राम में है क्या। देखिए, एक नॉर्थ नॉर्थ साउथ पोल है, ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट जो बाहर बार मैग्नेट है, और एक यहाँ पर सर्किट देखिए, इससे ये एक बैटरी लगा हुआ है और इस बैटरी से इसमें करंट जा रहा है, और यहाँ पे एक कॉयल रखा है, ये क्या है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, कॉपर वायर वगैरह है जिसमें ये करंट जा रहा है, और यहाँ पे एक देखिए ये एक्सल है, ये लगा हुआ है, और यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग है। तो स्प्लिट रिंग क्या है कि एक्चुअली इस पर यह क्या हुआ, होल्ड क्या हुआ है, आप डायग्राम समझ सकते हैं, स्प्लिट रिंग है जिसके कारण ये घूमेगा, तो वो बाद में उसका काम बताऊंगा क्या होता है। और यहाँ पे दो ब्रश है, इस ब्रश से क्या हो रहा है कि इसमें ये मतलब इस ये जो कॉयल है, इस कॉयल में करंट यहाँ से जा रहा है, इस ब्रश के थ्रू से जा रहा है, वो ब्रश क्या है, ब्रश इस रिंग पे मतलब ये रिंग जो है इस ब्रश पे स्लाइड कर पा रहा है, क्योंकि ये रिंग जो घूमेगा एक्सल के साथ, ये रिंग भी घूमता है, और ये जो ब्रश है इस पर वो ये ब्रश एक्चुअली उस टाइप का है, ये क्या बोलते हैं, जैसे आप आपको नॉर्मल ब्रश में ये रहता है तो वो घूमता है, ये एक्चुअली ब्रश कंडक्टर वाला ब्रश है, इसमें आयरन मतलब ये क्या बोलते हैं, ये फाइन आयरन का रहता है, जिससे मतलब ये ब्रश भी कंडक्टर का ही नेचर का है, तो ये घूमता है और इससे करंट जाने वाला है। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे आप सर्किट स्विच ऑन करेंगे तो करंट जाएगा इसमें, तो करंट इस कॉयल में कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ए से बी, बी से सी और सी से डी, इस डायरेक्शन में आएगा, इधर से वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे रखा हुआ है 12 मिनट का, तो इसके कारण क्या होगा, इस रीजन में एक इस डायरेक्शन में फील्ड है सीधा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये कॉयल क्या है, ये कॉयल ऐसे रखा हुआ है ओरिएंटल ग्राउंड में, इधर नॉर्थ और साउथ है और फील्ड मेरा ऐसे जा रहा है, तो इस कॉयल में फोर्स कैसे लगेगा ये हमको देखना है, क्योंकि देखिए जब इसमें करंट जा रहा है और करंट कैरिंग वायर में, यदि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ये हम लोग देख चुके, तो यहाँ पे इस पर एक फोर्स लगेगा, तो वही हमको देखना है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, देखिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने वाले हैं, या हमने एक राइट हैंड थप्पड़ रूल बता रखा है, तो मैं दोनों से बताने वाला, तो पहले मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता रहा हूँ कि इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा। तो देखिए कॉयल एक्चुअली मेरा क्या है, इस कॉयल में करंट जा रहा मतलब ऐसे क्यों हो रही है, प्लेन में इधर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये है और ये बताएगा फील्ड, ठीक है, तो ये हम लोग का है, ये हम लोग लेंगे इसको फील्ड के डायरेक्शन में, ये वाला जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या लेते हैं, इंडेक्स फिंगर फील्ड और ये करंट के डायरेक्शन में, और थंब हमको बताएगा फोर्स किधर। तो देखिए करंट मेरा है, फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में, तो इसको फील्ड की ओर कर ले, करंट मेरा है इस डायरेक्शन में अंदर की ओर, तो करंट है मेरा इधर अंदर की ओर और फील्ड इधर है, तो फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स किधर लगेगा, इस कॉयल ये वाले इस कॉयल का इस पार्ट पे फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। और देखिए ये जो वायर है, ये वायर क्या है, ये वायर पे फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि ये फील्ड के डायरेक्शन में ही है, तो फील्ड के डायरेक्शन में करंट जाएगा तो उसमें फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा। और देखिए क्योंकि ये सब तीनों परपेंडिकुलर होता है, तो ये फोर्स लगता है, ये फील्ड के डायरेक्शन में उसे फोर्स नहीं लेगा, लेकिन सीडी में फोर्स लेगा, सीडी में क्या हो रहा है,
करंट आपका जा रहा है बाहर की ओर, फील्ड आपका है इस डायरेक्शन में, फील्ड आपका इधर आगे की ओर है, तो फोर्स इस पे लगेगा ऊपर। तो इस कॉइल पे फोर्स कैसे लग रहा है, इस पे लगेगा ऐसे नीचे और इस पे लगेगा ऊपर, इसे ऊपर लगेगा इस पे नीचे लगेगा, तो इसके कारण क्या होगा, ये पूरा घूमेगा, ये पूरा घूम जाएगा। जैसे देखिए आप कोई एक ये ऐसे पेन है, इस पे एक नीचे फोर्स लगाएंगे और एक फोर्स ऊपर, तो ये क्या होगा, जैसे मैं इसे नीचे पुश करूँ ऊपर, तो ये पूरा ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, ये भी रोटेट करेगा क्योंकि इस पर नीचे फोर्स लग रहा है इस पर ऊपर, तो इस पर एक टर्निंग इफेक्ट हो और ये घूम जाएगा। तो मैं आपको देखिए, और जो हमने पढ़ा था कि राइट हैंड थप्पड़ रूल से भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं फोर्स का, तो उसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो अंगुली है सब क्या है, फील्ड। फील्ड तो क्या होता है, फील्ड तो पूरा फैला होता है, और फील्ड हम लोग याद रख सकते हैं कि ये अंगुली से फील्ड दिखा सकते हैं, और करंट तो वायर में जाता है, तो ये पतला स्तंभ में हम लोग करंट दिखाते हैं, और जिधर से थप्पड़ लगता है उस तरह से फोर्स का डायरेक्शन। देखिए करंट जा रहा है इधर, मेरा फील्ड इधर है, फील्ड का डायरेक्शन ये कर लो, फील्ड इधर है और करंट जा रहा है, ये कॉइल एक्चुअली ऐसे है हॉरिजॉन्टल अराउंड, तो अंदर की ओर, तो फील्ड ऐसे है और करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर। तो इस कॉइल में हमने क्या दिखाया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी ये नीचे आ रहा है, इससे भी नीचे आ रहा है, तो ये नीचे लगेगा। और अब जैसे अब देखिए इसमें क्या करिएगा कि ये वाले ये आर्म में करंट क्या हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और फील्ड तो ऐसे है, तो फोर्स ऊपर, तो इसमें ऊपर लेगा। तो देखिए अब क्या होगा, ये पूरा रोटेट होगा, तो ये फोर्स लेगा, ये फिर रोटेट होगा, ये एक बार रोटेट होगा, जैसे ये रोटेट होगा साथ में ये देखिए जो रिंग लगा हुआ है, ये कॉइल एक्चुअली इस पर लगा हुआ है, ये स्प्लिट रिंग, ये कॉइल इस रिंग में लगा रहता है स्प्लिट रिंग, और ये रोटेट होगा, तो जैसे हाफ रोटेट होगा तो उसके कारण देखिए यहाँ पे एक ब्रेक रहता है। स्प्लिट रिंग में क्या है, ये पूरा रिंग नहीं, बीच में ब्रेक है, तो जैसे ये घूमेगा तो ये कॉइल अब जो रोटेट होगा, तो आपको दिखा रहा हूँ उसका डायरेक्ट क्या होने वाला है। तो रोटेट होने के बाद यहाँ पे डायग्राम मैं बना रहा हूँ, देखिए मैं सिर्फ कॉइल का ही डायग्राम मतलब यहाँ पर बना रहा हूँ, सिर्फ कॉइल का ही डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो रोटेट होने के बाद क्या होगा, देखिए ऐसा हो जाएगा, देखिए ये कॉइल अब रोटेट हो गया, तो रोटेट होने के बाद ऐसा डायग्राम में दिखा रहा हूँ, तो ये सी पॉइंट, सी पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और डी वाला इधर आ जाएगा, तो ये डी हो गया और ये ए हो गया, ये अब घूम गया एक बार। देखिए और क्या होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये स्प्लिट रिंग है, तो ये जब इधर आएगा तो उसके कारण करंट इसमें अब सी डी में ऐसे जाएगा, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग, अब करंट देखिए ये वाला पार्ट घूम के इस पर आ जाएगा, आप समझ रहे होंगे कि ये इस पर ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो करंट अब इसमें इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि बीच में कटा हुआ है, तो ऐसे जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा आएगा अब कॉइल में। अब फोर्स क्या लगेगा, फिर ये वाले आर्म पे इस पे फिर से नीचे ही लगेगा, क्योंकि इसमें तो करंट ऐसा ही जा रहा है, और अब ये यहाँ आ गया सीढ़ी, तो सीढ़ी पे फिर फोर्स नीचे लगेगा, तो इस पे फोर्स नीचे लगेगा और इस पे फोर्स ऊपर, तो फिर से ये घूमेगा, दोबारा घूम जाएगा, फिर ये ऐसा ही दिखेगा, फिर घूमेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो उसके कारण क्या होगा, ये अब घूमता रहे, ये घूमेगा तो ये एक्सल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक्सल भी अब घूमता रहेगा, और एक बार एक्सल घूम रहा है तो फिर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ चुका है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे भी यूज कर लो, आप पंखा लगा लो, आप उसको वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हैं या कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें और क्या है कि ये स्प्लिट रिंग क्या कर रहा है, ये घूम रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी बदल जा रहा है, ये आर्म ए बी में अभी ऐसा जा रहा है, अब आर्म ए बी में इधर की ओर आ रहा है, तो ये स्प्लिट रिंग की वजह से हो रहा है। तो इस स्प्लिट रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डिवाइस जो मेरा करंट का डायरेक्शन बदल दे उसको क्या बोलते हैं, उसको कम्यूटेटर बोलते हैं। तो आपको एक टर्म कम्यूटेटर बता दे रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर इज ए डिवाइस विच चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट, तो सर्किट में वो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा कम्यूटेटर की तरह काम कौन कर रहा है, स्प्लिट रिंग यहाँ पे एक कम्यूटेटर की तरह काम कर रहा है, तो मेरा स्प्लिट रिंग यहाँ पे एक कम्यूटेटर की तरह काम कर रहा है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि कम्यूटेटर हम लोग किसको बोलते हैं, और यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कैसे ये काम करते हैं। ये एक बार रोटेट हो गया तो फिर दोबारा होता है और फिर ये चलता रहता है, तो जब तक आपका सप्लाई जा रहा है तब तक फोर्स लगता रहेगा और बार बार ये
घूमता ही रहेगा। तो ये हो गया आपका कम्यूटेटर। और देखिए जो एक्चुअल आपका जो होता है, जो एक्चुअल मोटर होता है जो कमर्शियल में या जो मतलब आपका घरों में यूज हो रहा है, पंखा में, वॉशिंग मशीन में, उसमें क्या है कि यहाँ तो सिर्फ एक ही कॉयल है, और एक कॉयल में उतना ज़्यादा आपको मतलब ये नहीं, उतना इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा, उतना ज़्यादा फोर्स नहीं आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड बहुत कम आता है। और प्लस कमर्शियल में क्या होता है कि, और ये जो मैग्नेट है ये तो हम लोग अभी क्या लिए हैं, ये तो परमानेंट मैग्नेट है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन जो आपका जो मतलब नॉर्मल जो कमर्शियल मोटर होता है जो आप घरों में यूज करते हैं, हम लोग इसको लिए तो कमर्शियल मोटर में क्या होता है, कमर्शियल मोटर मतलब जो मोटर आप यूज कर रहे हैं वॉशिंग मशीन में, आपका पंखा में है, और भी बहुत जगह है। तो ये मोटर में क्या होता है कि जो आपका ये मैग्नेट है ये तो परमानेंट है, लेकिन वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रो मैग्नेट में क्या है कि आप फील्ड मतलब वहाँ बदल सकते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेट में जितना करंट बढ़ाइएगा उससे कारण आप उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेट यूज होता है कॉमर्शियल में। प्लस क्या होता है कि इसमें बहुत सारा टर्न रहता है, यहाँ पे एक ही टर्न हमने दिखाया है क्योंकि हम लोग सिंपल मोटर मतलब डिस्कस कर रहे हैं समझने के लिए। तो कॉमर्शियल में आपका क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाता है, इस बात को याद रखिएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा और टर्न्स भी रहेगा, और उसमें क्या रहेगा एक बहुत सारे टर्न रहता है, और यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया जाता है, तो नंबर टर्न्स रहता है प्लस एक सॉफ्ट आयरन कोर ये भी रहता है। तो आपको नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ जाता है कॉमर्शियल में, और प्लस उसमें एक आयरन कोर डाला जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और आयरन कोर यदि इस कॉइल में डाल दिया जाए, इस कॉइल में, तो उससे कारण क्या होता है कि फील्ड का और भी अच्छा इफेक्ट क्रिएट होता है वहाँ पे। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और एक चीज़ होता है कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको एक नया नाम दिया जाता है, इसको आर्मेचर आपने सुना होगा, तो आर्मेचर उसी को बोलते हैं कि आपको बहुत सारा मतलब कॉइल है, कॉयल के अंदर आपने क्या डाल दिया, कॉयल और सॉफ्ट कोर दोनों मिला के, ये मान लिया आपका कोर है, ये सॉफ्ट आयरन का एक बार है, और उसके अंदर आप बहुत सारा तार लपेट दिए, तो इस ये पूरा सिस्टम, वो पूरा सिस्टम को यहाँ पे क्या बोला जाए, कॉयल प्लस वो कोर, उसको एक नाम दिया गया टेक्निकल टर्म, उसको आर्मेचर बोलते हैं हम लोग। तो इतनी सी बातें आपको समझ में आई होंगी कि ये इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है और क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो आप मतलब दोस्तों को शेयर करें, वो बताएं कि यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस हो रही है, और बिल्कुल ऐसे बिंदास पढ़ते रहें, एंजॉय करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।